भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है या संघ परिवार की जो विचारधारा है, उनका विश्वास हिंसा में है और इसीलिए वो अक्सर इस तरह की बातें करते हैं और लोगों को डराने की कोशिश करते हैं। लेकिन जहाँ तक राहुल गांधी का सवाल है, उनका बहुत ही स्पष्ट जो विचारधारा है, न डरो न डराओ, और वो किसी से डरने वाले नहीं, इस तरह की धमकियों का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इस परिवार ने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और आगे भी जरूरत पड़ी है तो हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार है, देश के लिए, राष्ट्र के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए और मोदी जी और अमित शाह जी के लिए एक शर्मनाक स्थिति है, क्योंकि जिस तरह से षड्यंत्र करके राजनेताओं को जेल में बंद करने की जो कोशिश है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से नकार दिया है। ये बात अब सुप्रीम कोर्ट भी एक तरह से इस पर उसकी सहमति है या कन्विंस है कि जो भारत जो सीबीआई की जो भूमिका है, जो रोल है, वो निष्पक्ष नहीं है और वो सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल, वो अपना घूमेंगे, पार्टी के वो अध्यक्ष हैं तो जाहिर है वो घर थोड़ी बैठेंगे। तो अच्छी बात है। देखिए, हर आदमी अगर भी जिम्मेदार आदमी है तो एक बस बात को स्वीकार करेगा कि अगर शांति के लिए, व्यवस्था के लिए अगर ज़रूरी है तो हम अपना पद भी छोड़ सकते हैं। ये ममता जी का बड़ापन है।